नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। गो एयर की तरफ से आपको एक नई अपडेट देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि इस वक्त एविएशन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वहीं गो एयर की तरफ से जो नई खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि यहाँ पर गो एयर के पास भी ज़्यादा फंड बचा है नहीं, और यहाँ पर गो एयर की जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन हुई अपने एम्प्लॉयज से वो इस बात को कर हुई है कि क्या वो लीव पर जाना चाहेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि इसके पहले भी गो एयर ने अपने काफी सारे एम्प्लॉयज को लीव पर भेजा था जो कि पेड बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं अब वाडिया ग्रुप द्वारा चलाई जाने वाली गो एयर ने अपने स्टाफ को बोला है कि वो 3 मई तक, यानी जब लॉकडाउन जब तक खत्म होता है लॉकडाउन 2, तब तक के लिए वो लीव पर चले जाए बिना किसी पेमेंट के, यानी विदाउट पेपर 3 मई तक के लिए उनको छुट्टियों पर भेजने की बात चल रही है। अभी सारा कुछ डिपेंड है एयरलाइन के एम्प्लॉयज पर कि वो क्या लेते हैं फैसला, और उसके बाद ही सब कुछ कंफर्म हो पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें गो एयर के पास इस वक्त करीब 5,500 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और देश में लगे 25 मार्च से लॉकडाउन के बाद से ही सभी एविएशन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ये छोटी सी अपडेट कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विनायक, फिर मिलने की आशा करती हूं। अभी के लिए विदा लेना चाहूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन गुरु। जय हिंद, वंदे मातरम।